इस बीच गुलाम के कई बयान सामने आ रहे हैं और गुलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाकर ही दम लूंगा। तो आपको उनके इस प्लान से डर लग रहा है या किसी तरह की कोई मुसीबत महसूस हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तो अपने बच्चों को ले जाकर रहूंगा पाकिस्तान। मैं पहले भी कह रही थी और अब भी कह रही हूँ, उनकी बातें बेबुनियाद हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के जा चुके थे। और कोई भी हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का कोई भी कानून एक माँ से छोटे छोटे बच्चे नहीं छीन सकता। और ये मेरे जो बच्चे हैं मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते, एक मिनट एक घंटा मेरे बगैर नहीं जी सकते, तो कोई पूरी जिंदगी कैसे रहेंगे। और रही बात अगर ये पाकिस्तान जाते हैं तो इनकी जिंदगी नरक बन जाएगी मेरे बच्चों की, क्योंकि वो लोग जो इनको पढ़ने तो देंगे नहीं मेरी लड़कियों को, और ताने दे दे के इनको इनकी जान ही ले लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कानून मेरे बच्चों को मारना चाहेगा या एक माँ से छीन के उनका दम घोटना चाहेगा, क्योंकि बच्चे मर जाएंगे मेरे बगैर और मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाऊंगी। तो ये खबर आपने सुनी, तो इसको लेकर के आप लोग कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं? क्योंकि गुलाम ये कह रहे हैं कि देखिए इतने छोटे बच्चे हैं और वो तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, अभी तो उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता भी नहीं मिली है, तो मैं तो अपने बच्चों को ले जाकर ही दम लूंगा और मैं इसके लिए लगातार कदम भी उठा रहा हूँ। तो अगर ये खबर आप तक पहुंची तो आपने क्या सोचा इस बारे में? मेरे भाई बैठे हैं डॉक्टर एपी सिंह, अगर उन्होंने वकील किया है कुछ भी किया है इसका, इसके लिए मेरे भैया तैयार हैं। मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह बैठे हुए हैं और मुझे विश्वास है योगी मोदी जी पे, यहाँ के कानून पे, यहाँ की चीज़ों पे, सब कुछ चीज़ें देख कर ही होगा। सिर्फ हैदर के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। और जो यहाँ के जो उनके वकील हुए हैं मोमिन पदर क्या नाम है उनका, तो उनकी भी एक तरह से वो जो सोच रहे हैं वैसे नहीं हो सकता। वो कह रहे बच्चों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर, बच्चे बहुत खुश हैं मेरे, जितने मेरे बच्चे खुश है ना उतनी मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे यहाँ के रंग ढंग हर चीज में जी ढल चुके हैं। मेरे बच्चों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है, उनको लगता है उनका देश भारत ही है, और ऐसा है। तो इसलिए कोई भी लोग उनके दिमाग के ये वहम है, सोच है, हैदर को बच्चे पहचानेंगे तक नहीं तो उनके पास जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, जियेंगे कैसे, मेरे बगैर मेरे बच्चे मर जाएंगे और इनकी जान को वहां खतरा है। एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सीमा हैदर के वकील हैं। एपी सिंह जी, कुछ दिनों पहले गुलाम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रोता नजर आ रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए और इसको लेकर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। आप लोगों की क्या तैयारी इसको लेकर? नहीं, हमारी तैयारी तो माँ के साथ है, माँ के साथ बच्चे हैं, बच्चों के साथ माँ है। गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है, सभ्यता संस्कृति भी कहती है, माँ बच्चों का प्यार भी करता है। मदर इज द बेस्ट गार्जियन, बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और खासकर जहाँ तक तीन बेटियों का सवाल है तो तीन बेटियों की बारे में उनकी बायोलॉजिकल शारीरिक संरचना जो सभी कुछ है उसके कानूनी रूप से हर जगह हर एक फैसला इसी पर आधारित होता है कि बच्चों का भविष्य, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का आगे का जो भय है वो ये सीमा के साथ है और सचिन के साथ है। उनके साथ वहाँ पहली बीवी के बच्चे, ये दूसरी बीवी के बच्चे, अब तीसरी बीवी के बच्चे, बहुत संभालने के लिए उनके पास बच्चे हैं, वो उन बच्चों को संभालें। भारत में बच्चों को बचपन बचाओ आंदोलन के अगर प्रणेता भारत से पूरी दुनिया को संदेश दिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय, उसमें कहीं भी बच्चे नहीं छोड़े गए, कहीं भी किसी धर्म की बात नहीं की जाती, किसी जाति की बात नहीं की जाती, किसी क्षेत्र भाषा या संप्रदाय की बात नहीं की जाती है। तो उसके आधार पर यहाँ रह रहे हैं, जांच चल रही है। लेकिन गुलाम का कहना है कि वो तो पाकिस्तानी नागरिक हैं, अभी तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप भी नहीं मिली है। वो प्रोसेस सब चल रहा है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रोसेस सारा चल रहा है। उनके हिसाब से कहने से बच्चे की बात थोड़ी हो जाएगी, उन्हें चार साल से बच्चे याद नहीं आ रहे हैं और कई तथ्य आप भी सामने रखने वाले हैं। सीमा जी, क्या कभी गुलाम को लेकर आपके बच्चे कोई जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि क्या उन्हें अपने पिता की याद आती है, ऐसी कोई बात होती है कभी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में वो उनको भूल चुके थे। सिर्फ मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुन्नी मेरे पेट में दूसरे महीने में प्रेग्नेंट थी, वो जा चुके थे तो कैसे पहचानेंगे मुन्नी परी प्रियंका, तो बिल्कुल उनको उनको कुछ भी ध्यान नहीं। मेरे अब्बू को अपना बाप मानते थे, जो मेरे पापा की डेथ हो गई तो अपने पापा मानते थे, तो इनको जानते तक नहीं, मतलब पहचानेंगे भी नहीं। चलो मानते हैं एक तरह से वो बाप थे बट इनको नहीं पहचानते, बच्चे कैसे रहे। वो उनकी दो बच्चों की सिचुएशन देखो आप, उनकी हालात देखो आप, वो बेचारे स्कूल नहीं गए, वो उनकी निकाह हो गई, उनकी चीजें हो गई,
कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा करेंगे वो लोग, और मुझे विश्वास है कि कोई कानून ऐसे नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, भले बच्चे से पूछा जाए, बच्चे अगर मेरे बगैर रह सकते हैं, अगर कोई हैदर को पहचानते तक हैं तो मैं दे दूंगी, बट ऐसा है ही नहीं, मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे। आप लोग का यही कहना है कि यहाँ पर बच्चे पहचानते नहीं गुलाम को, तो गुलाम का कोई हक नहीं बनता है यहाँ पर इन बच्चों को रखने का, क्योंकि अच्छी परवरिश जो है वो सीमा दे सकती है। फिलहाल सीमा, आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर उनकी कैसे देखभाल कर रही हैं? फिलहाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ का विधायक जी का स्कूल है, शांति नाम है इस तरह के स्कूल का नाम है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, टाइम से आते हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। अभी अभी राज प्रियंका पर अभी स्कूल से लौटे हैं, 2 बजे उनकी छुट्टी हुई थी, तो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है सब, उनको हिंदी भी थोड़ा पढ़ना आ गया है, बहुत अच्छे से इनकी एजुकेशन चल रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, वहाँ तो एडमिशन तो फिलहाल नहीं हुआ, पर स्कूल अच्छे से, क्योंकि टीचरों ने कहा कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आप स्कूल भेजिए, वो सब कुछ इनका चल रहा है, इनको यूनिफॉर्म वगैरह भी बनवा दी, क्योंकि टीचरों ने कहा था आप यूनिफॉर्म के साथ भेजिए, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे का ट्यूशन भी जा रहे हैं, हम भी उनको पढ़ा रहे हैं, फिलहाल बच्चे बहुत खुश हैं, तो बच्चे आप यहाँ अपने के बच्चों रंग का भविष्य रंग हिंदुस्तान में ही देखते हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चों का यही भविष्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ के लोग इनको खा जाएंगे, इनको मार डालेंगे, भले कितना भी अच्छे बन रहे, इतने अच्छे नहीं है, बच्चों पर जुल्म करेंगे, मेरी बेटियों के साथ बहुत गलत हो जाएगा, उनको यही, मेरा ताना देकर उनको पढ़ने नहीं देंगे, मेरा ताना देकर उनको जीनी नहीं देंगे। अच्छा, आपके बच्चे कभी हिंदुस्तान को लेकर कोई बात करते हैं, कोई जिक्र करते हैं जब आप उन्हें बाहर लेकर जाते होंगे, या इस तरह के जब त्योहार आप सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उनके मन की बात माँ के साथ तो जरूर शेयर करते होंगे? बहुत खुश होते हैं, राज तो इतना ज्यादा खुश होता है, प्रेम मंदिर गए थे कुछ दिन पहले, बच्चे मीना जी के साथ परिवार वाले गए थे सारे लोग, तो बच्चे प्रेम मंदिर गए थे, बच्चों की खुशी ही अलग थी, अच्छा। वो वहीं पर जय श्री राम जय राधे राधे ऐसे नारे लगा, इतने ज्यादा खुश थे बच्चे, इतने ज्यादा खुश हैं बच्चे जिसकी कोई हद ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा खुश हैं बच्चे। मेरे बच्चे पहले सहमे सहमे से रहते थे, सुबह शाम मुझे देखते थे, अब इनके पास दादा है, दादी है, पापा है, चाचा है, मौसी है, बुआ है, सब यहाँ पर रिश्ते हैं इनके, तो बच्चे कभी भी कभी मुंह से इनके मुजबा में पाकिस्तान का नाम तक नहीं आता, छोटे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है और बच्चों की जिंदगी यहाँ पर है, वहां तो बच्चों को मार देंगे, नर्क की जिंदगी देंगे वो लोग, पता नहीं कैसे लोग उनके लिए वकील बन के लोग खड़े हो जाते हैं, एक दरिंदे के लिए जो उसके पहले बच्चे हैं, मैं इस बात की बिल्कुल पूरी तरह से कहूंगी कि उनको और लैंग्वेज भी नहीं आती बलोची के अलावा, बेचारों ने स्कूल तक नहीं देखा, तो ये किसके कौन से दाब, कौन कौन सी, मुझे कहता है तुम मर जाओगी उस दिन लाइव में, कह रहे तुम मर जाओगी, कौन है तेरे बच्चों का, तो मैं उस इंसान से ये भी सवाल करना चाहूंगी, अगर वो मर गया तो कौन है उसका, उसका सगा बाप नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसकी बहन नहीं है, उसका खानदान में कोई भी नहीं, उसका जो पहला बाप था पता नहीं कौन था, उसकी माँ इसको लेकर आई, दूसरे मतलब आदमी शादी करी, कभी उस आदमी ने इसको अपनाया नहीं, जो समीर जान बाप है उसका सगे बाप का नाम रहम दिल था। तो सीमा, कुल मिलाकर आप इस कानूनी लड़ाई के लिए भी आप बिल्कुल तैयार हैं, जैसे इससे पहले भी आपने कई लीगल एक्शंस का सामना किया, तो आप इस कानूनी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अगर ऐसा कोई फेज आता है जहाँ पर आपको अपने बच्चों की गार्जियनशिप के लिए लड़ना पड़ेगा, तो आप ये सारे तथ्य सामने रखेंगे? बिल्कुल रखूंगी, सब चीजें हैं, सबूत है मेरे पास भी, अगर हैदर कहता है हैदर को बच्चे प्यार करते हैं, हैदर बच्चों से इतना प्यार करता है, मैं कहूंगी हैदर कहूंगी एक फोटो जाए जो बच्चों से प्यार करता है, सचिन की कितनी वीडियो फोटो है बच्चों के साथ, एक फोटो मेरे बच्चों के साथ मोबाइल की सोशल मीडिया की कोई भी निकाल के दे, मेरी लड़कियों के साथ किसी की, एक पुराना फोटो जब शुरू शुरू में राज पैदा हुआ था तब का होगा तो होगा, उसके बाद की अब की 19 की 18 कोई भी एक फोटो उसके पास है, बच्चों से प्यार करते हुए कोई चीजें उनके पास है तो बताए, अरे बच्चों से तुम बात तक नहीं करते थे तो अच्छा, आप जब बात बच्चों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर सीमा, तो मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि आपने उनके शायद हिंदू नाम भी रख दिए हैं। हाँ, इनके नाम मैंने बहुत पहले से रख दिए हैं, मैं पाकिस्तान में ही थी, इनको मैं राज परी प्रियंका ही बुलाती थी, मुन्नी। तो मतलब आप जितनी बातें मुझे बता पा रही हैं, तो मैं क्या उससे ये समझूं कि आपके बच्चे आप गुलाम को बिल्कुल मिस नहीं करते, या कभी कोई जिक्र होता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, यहाँ तो छोड़ो पाकिस्तान में भी नहीं, क्योंकि उस इंसान ने कभी हेलो, बच्चों को हेलो तक नहीं किया, कभी चलो मेरे से रिश्ता खत्म हुआ था ना, बच्चों से तो रिश्ता था ना उसका, कभी भी उन्होंने बच्चों से बात नहीं कर, कभी सोचा भी नहीं कि बच्चों को पूछ लूँ, बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं, हालांकि कभी ना कभी हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने कभी भी तो नहीं आपको करा। क्या लगता है जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, फोटो साथ में नहीं है, प्यार नहीं किया, देखभाल नहीं की, तो अब एकाएक अपने बच्चों को लेकर गुलाम इतना क्यों भावुक हो रहा है, वो क्यों रो रहा है?
वहां के लोग उसको कह रहे हैं, वहां के लोग उसको कह रहे हैं तुम ऐसा करो, तुम ही ऐसा कर सकते हो, क्योंकि बच्चे हिंदू धर्म में आ चुके हैं, मेरे साथ हैं, मैं हिंदू धर्म में हूँ, तो ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मैं किसी मुस्लिम के साथ होती शायद फिर भी वो इतना नहीं करते, शायद मुझे तो यही कारण लगता है कि वो बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। कभी भी बच्चे ये जो रोना ढोना ये सब दिखाने के लिए कर रहे, क्योंकि इमोशनल लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं एक तरह से मैं उसकी पहली पत्नी चली गई, पहले बच्चे साथ हैं, वो बेचारे पढ़े नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, तो इनको क्या फ्यूचर देगा, लेकिन और ये सब आपको दुखावा क्या करता लगता है। है कि अगर गुलाम ऐसा कर रहा है, मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है कि लोग उसके प्रति सिंपैथी दिखाएं, इससे क्या फायदा होने वाला है उसका? उसका यही फायदा होगा कि उसको इस बात तो कंफर्म पता है अगर बच्चे जाएंगे तो सीमा भी जाएगी, क्योंकि बच्चों के बगैर मैं कभी नहीं जीऊंगी, कभी भी नहीं रहूंगी, कहीं भी नहीं रह सकती, बच्चों के बगैर मैं मर जाऊंगी। पहली बात, और बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे, मैं एक पल बच्चों को ना देखती तो मैं मरने लगती हूँ, रोने लगती हूँ। तो उसको पता है एक नहीं, तरीके से लेकिन बहुत कुछ अगर गुलाम गेम खेल इतने रहा है। परेशान है अपने बच्चों के लिए और वो ये जानते हैं कि आप बच्चों के बिना नहीं रह सकती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब भी आपसे प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान लौट आए? वो प्यार नहीं करते, वो मुझे एक तरह से बुला के अपना जो गैरत की उनकी बात चल रही है वो पूरी करना चाहते हैं कि हाँ हम गैरती हैं, देखो हमने मार के दिखाया, हमने ये करके दिखाया, वो चीज कंप्लीट करना चाहते हैं। और अगर आज मैं पाकिस्तान में होती कब की मारी जा चुकी होती, मेरी लाश भी किसी को पता नहीं होती, टुकड़े कर दिए गए होते मेरे। और वो बच्चों, कोई वो औरतों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे दया खाने वालों में से नहीं है, वो जिहादी लोग हैं। क्यों नहीं समझते लोग कि उनका नेचर क्या है, उनका उनकी जिंदगी क्या है, मैंने देखी है, मैंने जी है, मैंने वो महसूस किया है। वो सब लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी गैरत बरकरार रखनी है, और यही चीज है जिसके लिए वो मरा जा रहा है, उसको अपनी गैरत बरकरार रखनी है।